देख सकते हैं ये पान, ये मीठा पान। फाइनली अभी हमें नाइट आउट में निकले हैं। फाइनली अभी बज रहे हैं मात्र उसका। दोस्तों सभी का स्वागत है, देख सकते हैं ये पान आ चुका है रेडी, काफी बढ़िया लग रहा है देखने में भी। मैं इसको टेस्ट करने वाला हूँ और बताऊंगा आपको कैसा ये मीठा पान। कहाँ पे है? गदौलिया में ना, गदौलिया में भैया, गदौलिया कामा पान के पास है और काफी बढ़िया पान भैया ने लगाया हुआ है। मीठा पान देख सकते हैं ये अपने हाथ में। तो भैया क्या क्या पड़ता है इस पान में, मीठे पान में? और जितनी मीठी चीज़ें हो सारी चीज़ें इंक्लूडेड है ना इसमें? अच्छा, सारी मीठी चीज़ें उपलब्ध हैं और काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी सही भी है। प्राइस इसका लगभग 25 रुपीज़ है इस पान का, दे सकते हैं ये। अभी हम टेस्ट करने वाले हैं और बताएंगे आपको कैसा है ये पान। पान तो हम लोगों ने खा लिया है, इस पान को हम लोग को चबा करके नहीं खाना है, इसको जितना हो सके उतना साइड में रख लीजिए, उसके बाद इसका जो स्वाद है वो लगातार आपको मिलता रहेगा। ऐसे ही भैया बोल रहे हैं जो पान जिन्होंने खिलाया है, काफ़ी बढ़िया पान है और इस बजट सेगमेंट में काफ़ी बढ़िया पान, आप लोग भी विजिट कर सकते हैं कदौलिया मार्केट में मेन चौराहे पर। जो पान की क्वालिटी थी वो एक नंबर की थी, उसमें कोई केमिकल नहीं, कोई कुछ भी नहीं था, वो नेचुरल पान था, देख सकते हैं ये पान वो यहाँ पे, अभी बढ़िया पान था और हमने जो है काफ़ी अच्छा टेस्ट किया। अभी तक मैं रखा हूँ साइड में और अभी तक मैं यूज़ करूँगा, लगभग आधे घंटे तक मैं खाऊँगा इसको, काफ़ी बढ़िया लग रहा है अभी तक तो भाई, जो स्वाद है इसका और हार्मफुल नहीं। सबसे बड़ी चीज़ ये है इस पान की जो खासियत है, इसीलिए मैं लगभग 150 किलोमीटर दूर आ करके यहाँ पर पान मैं खाया हूँ। काफ़ी वैसे मैं सब चीज़ें खाता नहीं हूँ लेकिन मुझे चखना था, मुझे देखना था कैसा स्वाद आता है, इस वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ अतुल भाई के साथ और ये पदुन भाई। और बहुत बहुत थम्सअप भाई को, भाई को बहुत बहुत थम्सअप क्योंकि इन्होंने पान खिलाया आ करके, अपने बातों पे अटल रही है काफ़ी देर से, अभी वो पान खा रहे हैं। और आपको मैं लिटरली बता रहा हूँ इतना बढ़िया और डिलीशियस चीज़ें, मैंने बहुत सारी चीज़ें खाई लेकिन ये जो पान था बहुत बढ़िया लगा, बनारसी पान आपको भी एक्सपीरियंस दीजिए काफ़ी बढ़िया लगेगा। और अंकल जी ने एक तो मैं परचेज किया, उसके बाद एक तो उन्होंने जो है स्पेशली हमको दिया, कहा इसको भी आप साइड में रख लो काफ़ी अच्छा लगेगा आपको, मैं रखा हूँ और ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा भाई, स्वाद जो है नेक्स्ट लेवल है भाई, बहुत और कुछ नहीं कह सकता मैं लिटरली बता रहा हूँ। अभी ये वो रोड है जो कि जहाँ पे अभी हम लोग पैदल पैदल टहल रहे हैं, नाइट आउट कर रहे हैं। नाइट आउट में निकले हैं सूरज भाई के, सॉरी प्रदुन भाई के साथ और अनुज भाई के साथ, और आज मज़ा लेने वाले हैं इस गुआवा जूस का। गुआवा है ना, मिक्सर है, देख सकते हैं यहाँ पे। अभी हम हैं औरंगाबाद में और यहाँ का बहुत ही मशहूर है ये। पहले अभी नाइट आउट निकले हैं, आ जाइए यहाँ पर जूस पी के, पीछे देख सकते हैं यहाँ पे सोनिया करके बोलते हैं इसे, औरंगाबाद में पड़ता है ये। अभी यहाँ से निकलता हूँ और देखता हूँ क्या प्लान होता है अभी। नहीं नहीं YouTube बनाते हैं, चलो भाई आपकी दुकान YouTube पे देखा है। और ये सिगरा चौराहा देख सकते हैं, अभी घड़ी में बज रहे हैं मात्र 10 और माहौल देख सकते हैं इस चौराहे का काफी बढ़िया लग रहा है। आज नाइट आउट करने वाले हैं पूरे बनारस का, मजाक कर रहे थे पूरे बनारस का नहीं, मैमूरगंज से निकल रहे हैं अभी हम। ये है बनारस की गलियां, ये है बनारस की गलियां, गलियां बनारस की गलियां, गंदी है गलियां, पत्थर वाली गलियां, ये है बनारस की गलियां। और ये देखिए नगर पालिका वाले इंतजार करते हुए हमारे लोग का। और अभी हम पहुंचने वाले हैं मड़ुआडी स्टेशन, ये देखिए स्वागत है आपका इस स्टेशन पर, रेलवे नगरी रेलवे स्टेशन मड़ुआडी, देखिए मंडुआडी।
स्टेशन का अंदर मतलब मंदिर का एकदम शो दिए यार, समझ नहीं सकते हैं। 22:37 हो चुका है, 22:10 ट्रेन। और ये देखिए नज़ारा यहाँ पर, ओ भाई साहब मड़ुआडी रेलवे स्टेशन के सामने जो आप इंजन देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी कलरफुल है। और ये फव्वारे देख सकते हैं यहाँ पर और सामने स्टेशन। और समय हो चुका है 22:38 और काफ़ी अच्छा लग रहा है, एकदम मंदिर का जो है लुक है यहाँ पे सामने। और स्टेशन देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। और ये फव्वारा देखिए यहाँ पे सामने, और मड़ुआडी रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने एक फव्वारा आपने देखा। और ये उसके बगल जो उसका जो लुक है देख सकते हैं यहाँ पे, माहौल काफ़ी बच्चा है देखने में, ये देखिए काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ये पीछे रेलवे स्टेशन जो यहाँ का माहौल है, इस समय लगभग 10:40 हो रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। और मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ एक बार रियर कैम से। तो यहाँ पे जो ट्रेनें आती हैं लगभग वो पूर्वी तरफ या फिर दक्षिणी तरफ दोनों तरफ जाती हैं, क्योंकि उत्तर तरफ तो नहीं जाती हैं क्योंकि मैं उधर से आता हूँ, तो ये रेलवे स्टेशन नहीं पड़ता है। बोले तो ईस्ट और साउथ दो ही मुझे डाउट है, उधर ही जाती होंगी। ये देखिए दो अभी दो यहाँ पे दिख रही है, एक शिवगंगा दिख रही है और दूसरी जो है मड़ुआडी नई दिल्ली स्पेशल दिख रही है। दो ही ट्रेन अभी तक यहाँ पे दिख रही है बोर्ड में, ये पीछे देख सकते हैं, ये पीछे यहाँ पे जो ये देख सकते हैं सामने। और मेरे ख्याल से तो न्यू दिल्ली वाली होगी मड़ुआडी एक्सप्रेस या फिर शिवगंगा होगी, दो में से एक हो सकती है। कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे लेकिन मोबाइल डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, बहुत दूर है। चलिए निकलते हैं यहाँ से और आगे दिखाते हैं आपको। और ये है मड़ुआडी पुल, ओवर ब्रिज, इसके नीचे रेलवे लाइन, इसके नीचे रेलवे लाइन है। और देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है एकदम, मुझे प्रयागराज वाले पुल का जो है काफ़ी काफ़ी तो नहीं लग रहा है लेकिन देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। प्रयागराज वाले पुल क्या नाम है, ये देखिए एक बार फिर से रेलवे स्टेशन देखिए। और देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, लाइटें काफ़ी अच्छी लगी हुई हैं बनारस में, हर तरफ लाइटें आपको देखेंगे। 15 minutes later अभी लस्सी वगैरह हम लोग इंजॉय करने वाले हैं यहाँ पर, कदौलिया की लस्सी है ये, काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी फेमस है। और ये पूरा माहौल अभी पीता हूँ मैं इसको, सॉरी खाता हूँ, समझ नहीं आ रहा खाना है पीना है। स्वाद कैसा है इसका बताओ भाई, बढ़िया एक नंबर भाई, ऑनेस्ट ओपिनियन आप टेस्ट करके बताइए, लो जरा पकड़ो। तो चखते हैं इस लस्सी को और बताते हैं, क्योंकि रामनगर की लस्सी टेस्ट हमने किया था और थोपड़ा आ रहा है मेरा, तो अभी इसको हम टेस्ट कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा है, ठीक ठाक सा है, बढ़िया है, ऑनेस्ट ओपिनियन है ये, सो फार सो गुड, सेकंड नंबर पे। हाँ मतलब वहाँ की तो बेस्ट थी, उसके बाद यहाँ के भी काफ़ी बढ़िया है। तीनों भाई इसको एंजॉय करने वाले हैं। क्या रुपये प्लेट है भाई ये? 30 रुपये में आइए, और वहाँ रामनगर वाली 40 रुपये की थी। ये रही है सारा लस्सी, तीन रेटें दे सकते हैं यहाँ पे, छोटा लस्सी 15, मीडियम 25 और स्पेशल बड़ा 30 वाला जो कि ये है। और ये वो शॉप कदौलिया मार्केट में, काफ़ी फेमस है ये, तो निकलते हैं यहाँ से। ये है पूरा नज़ारा यहाँ पर, चलो भैया चलो भैया, थोड़ा जगह दो यार, पैरा उधर करो। तो प्रोटीन युक्त दही हमने खा लिया, तो बोले तो सही सही देखा जाए तो दही थी मेरे ख्याल से, और उसमें थोड़ा सा पिस्ता विस्ता डाल करके, थोड़ा सा केसर वैसा डाल के थोड़ा सा माहौल क्रिएट हुआ था काफ़ी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और यही है भैया जहाँ पे हम खाते हैं गोलगप्पे, और मेरा भी बहुत देर आते हमने।
मेरा भी डिगा भी हुआ नहीं, बहुत बढ़िया है। अभी भाई का जो है खाएंगे हम लोग गोलगप्पे और दिखाएंगे आपको जो इनका काफ़ी सारी चीज़ें, देख सकते हैं गोलगप्पे मसाले और ये सूखा बनाए हुए हैं इसमें। ये क्या भैया? खट्टा पानी, नमक, मिर्च, मसाले, ये अलग से मिर्च रखे हैं, जिसको और खाना हो आग गैर बना देंगे। पानी पूरा भरा है उसमें निकाल के खिलाते हैं। और अभी टेस्ट करने वाले हैं भाई का जो है गोलगप्पे, बहुत ही फेमस आदमी है। मेन आपको जो है नई सड़क चौराहे पे मिल जाएंगे शाम को, लवकुश होटल के जस्ट बगल और होलसेल वाली मार्केट के जस्ट सामने। हाँ तो चलिए खाते हैं भैया के गोलगप्पे और बताते हैं आप लोगों को क्या है माहौल, क्या है स्वाद, क्योंकि दो तीन बार मैं खा चुका हूँ, चीज़ें ले चुका हूँ, बहुत ही बढ़िया गोलगप्पे होते हैं। ये आपको नज़र चौराहे पे मिलेंगे। कैमरामैन आयुष डॉक्टर के साथ, आयुष इलेक्ट्रॉनिक वाले बने रहिए, मुझे भी यूट्यूबर बना रहे हैं शिवा भाई। बहुत ही स्वादिष्ट है भाई का जो है गोलगप्पे, 10 रुपये का 5 है। नाम मेरा बताएंगे तो एक तो खुशी मिलेगी खाने को, एक एक्स्ट्रा मिल जाएगा, बता देंगे यूट्यूब देख के आए हैं। ये बाबा का होली खेल के आए हैं ये लोग, रंगबड़ी का देसी के और एक ओपिनियन है बहुत ही बढ़िया है। और शिवा भाई और खा लीजिए फिर। नहीं भाई, शिवा भाई फिर इनके बारे में कुछ तो बता दीजिए आप। भाई एक नंबर की बुलगी है, इनका नाम क्या है? जितेंद्र। जितेंद्र भैया की बुलगी एक नंबर की है। पर ये वाइफ से क्यों डरते इतना? तो हर कल का माहौल है, कोई बताता है कोई बताता नहीं है, बाकी बहुत ही बढ़िया। जितेंद्र भाई आप बता दीजिए, हर इंसान डरता है भाई, रियलिटी तो यही है, बस कोई बता देता है कोई बताता नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है।